हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन वर्सेस लोटस मूज फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस प्रॉब्लम का। सो चलिए शुरू करते हैं। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन, राउंड कलर के जार में आता है। 750 रुपीज इसका प्राइस था, अभी 700 रुपीज हो गया है। इस तरीके का शेड लिया है मैंने अपने लिए, 01 आइवरी फेयर, 25 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस के साथ आता है, येलो स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ। दिस इज द फॉर्मूला, इजीली ब्लेंड हो जाता है, सिलिकनी टच पे है, तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका फॉर्मूला है। तो आप इसको अगर ट्राई करोगे, इसके इंडिविजुअल रिव्यू मैंने दो बार किए, बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी, और इसका कंपेरिजन मैंने एक दो मूज फाउंडेशन से और किया है, तो वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। अदरवाइज दिस इज 10/10 प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग, माय फेवरेट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है, तो मेरा फेवरेट फाउंडेशन लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन है। बात करते हैं अगले इसकी शेल्फ लाइफ की। इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। एंड अब बात करते हैं लोटस मूज फाउंडेशन की। एंड या एक चीज और, इसमें एसपीएफ 8 के साथ आता है ये 8, यस, और ये 16 आवर तक स्टे करता है, ऐसा इस पे लिखा आता है। बट यस, 12 से 13 घंटे ये बहुत इजीली स्किन पे स्टे करता है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि इतना टाइम तक बहुत ही इजीली ये आपकी स्किन पर स्टे करता है। बात करते हैं लोटस के मूज फाउंडेशन की। 15 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 745 रुपए इसका प्राइस है। रॉयल आइवरी फेयर स्किन टोन के लिए है, येलो बेस्ड, और 2 ईयर्स इसकी भी शेल्फ लाइफ है। फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल वैसी है जैसी कि लोटस के सिग्नेचर फ्रेग्रेंस होती है, लोटस के फाउंडेशंस वगैरह की। ये थोड़ा सा देर से ब्लेंड होता है, लिटिल बिट स्टिकी है, एसपीएफ 20 है, 100% वेजिटेरियन है, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है, और सेफ है स्किन के लिए। और यस, इसे टीनेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस फाउंडेशन को, बिकॉज ये फुल्ली सेफ है। इसके पहले आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बार मैं बता दूं, ये भी प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये भी प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ये स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है, और इसमें एसपीएफ की क्वांटिटी ज्यादा है, सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। और लेकिन ब्लेंड होने में लैक्मे एब्सोल्यूट का कोई जवाब नहीं है किसी के भी सामने, ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी भी कम है, प्राइस भी इसका ऑलमोस्ट 45 रुपीज अब ज्यादा है। और पैकेजिंग आप देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग, दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो पैकेजिंग को 10/10 देती हूँ मैं, बट फिर भी प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत कम है, स्पेशली इस वाले की, लोटस की। सो इसकी फ्रेग्रेंस भी मैंने आपको बता दी, एंड शेल्फ लाइफ भी इसकी 2 ईयर्स है। सो ऑल ओवर अगर आप सबसे पहले ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन ट्राई कीजिए। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको मैं सेकेंडली बोलूंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, तो आप इसके साथ जाइए। सो ये है मेरा रिव्यू। एंड इसके बारे में स्टेइंग पावर की बात करें लोटस की, तो ये भी 12 घंटे तक एटलीस्ट स्टे करता है। बट इसको यूज करने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक लूज पाउडर की जरूरत होती है सेट करने के लिए फेस पर मेकअप को। इसके बाद आपको ये पाउडरी फिनिश देता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट यूज करने की, बट आप फिर भी कर सकते हो। दोनों ही बहुत ही ड्यूई नेचुरली सेकंड स्किन जैसा ग्लो कर देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रारा। एंड आप मूज ट्राई करना चाहते हैं, तो पहले लैक्मे ट्राई कीजिए, फिर लोटस ट्राई कीजिए। अफोर्ड कर सकते हैं तो दोनों ट्राई कीजिए। और मैं तो मेरे दोनों ही फेवरेट हैं, बट फिर भी अगर मोस्ट फेवरेट है तो यही है, हमेशा रहेगा आई थिंक। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।